सांसद जी क्षेत्र के भ्रमण पर निकले हैं। वो लोगों के घरों में ताक झांक कर रहे हैं, घरों के बाहर लगे गेट से हाल चाल पूछ रहे हैं और फिर आगे बढ़ जा रहे हैं। अब सांसद महोदय ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आप उनसे ही जान लीजिए। अपने सामाजिक कामों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले सांसद जी इस बार कोरोना काल में एक बार फिर सुर्खियों में हैं। आइए जानते हैं कि आखिर वो घर घर जाकर क्या मैसेज देना चाहते हैं। लगातार आप लोगों के घरों में जा रहे हैं, कोविड के नियमों का पालन करने के लिए बताते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के बारे में बताते हैं, आखिर इसके पीछे क्या छुपा हुआ है? रीवा जिले में जितने मरीज हैं उनमें से लगभग 60% अपने घरों में आइसोलेटेड होकर के चिकित्सा ले रहे हैं। उनके लिए प्रशासन ने एक टीम बनाई है उनकी देखरेख के लिए, जो एक फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर से लेकर के और वार्ड के दरोगा और सफाई कर्मी तक की पूरी एक श्रृंखला है। वो लोग दवाइयां दे रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसी को मैं भी देख रहा हूं कि प्रॉपर दवाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनको जो नंबर दिए गए हैं उनमें से उनको रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरा ये बताना कि घर में ही रह करके आप ठीक हो जाएंगे या किसी की हालत ऐसी चिंताजनक है तो उनको फिर अलग व्यवस्था कराना। एक घर में 7-7, 8-8 लोग, घर का घर पूरा संक्रमित है, किसी के घर में गैस नहीं है, किसी के घर में आटा शक्कर चावल नहीं है, तो किसी के घर में दवाई लेने वाला देने वाला कोई नहीं है, किसी के घर में सब्जी नहीं है, दूध नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को देखना और फिर उनकी समस्या अगर कोई है तो उसको हल कराने का प्रयास करना, मन में जो शंकाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करना। और ये जो अफवाह एक फैली हुई है कि नहीं अव्यवस्था पूरी व्यवस्था ही ख़त्म हो गई है, तो एक जो डर का भाव उनके मन में है उस डर को ख़त्म करना सबसे बड़ा तो काम है। उनके मन में जो व्यवस्था को लेकर के भय है कि नहीं साहब कुछ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, बेड नहीं है, तो उनको बताना कि ऑक्सीजन भी है, इंजेक्शन भी है, बेड भी है, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत एम्बुलेंस है, आपको घर से ले जाएंगे अधिकारी और ले जा रहे हैं लोग जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ, यही सारी टीम काम कर रही है। आपको बता दें कि सांसद जनार्दन मिश्र अक्सर अपने ऐसे ही अनोखे कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। स्वच्छता अभियान में घर घर जाकर सांसद ने ठेले में कचरा उठाया, नाली और सार्वजनिक शौचालय को हाथों से साफ किया। कोविड की पहली लहर में 1,00,000 मास्क खुद बनाकर बांटे थे और अब दूसरी लहर में लोगों को जागरूक करने के लिए रोको टोको अभियान चलाया गया है। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट, MP तक।